हेलो रन, वेलकम टू मलिक टेक। इस वीडियो में बात करेंगे नो कॉस्ट ईएमआई के बारे में। जब भी आप ई कॉमर्स साइट्स पे जाते हैं तो आप इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस देखते हैं नो कॉस्ट ईएमआई पे अवेलेबल होता है, मोबाइल फोन हो या फिर कोई भी वॉशिंग मशीन या फ्रिज हो, तो वहाँ पर नो कॉस्ट ईएमआई का आपको ऑफर्स मिलता है। आप क्रेडिट कार्ड के थ्रू परचेस करते हैं तो आपको कहा जाता है कि कोई भी चार्जेस यहाँ नहीं लगेंगे। जो अमाउंट है उसी अमाउंट को आप स्प्लिट कर सकते हैं ईएमआई में। आप 6 महीना का करें या 3 मंथ्स का करें, जैसे कि कोई प्रोडक्ट 15,000 रुपये का अगर आप नो कॉस्ट ईएमआई पर लेते हैं तो आपको 5,000 रुपये 3 मंथ्स में देने हैं। तो क्या सच में ऐसा होता है कि 5,000 ही आपको 3 मंथ्स देने होते हैं? क्या कोई एक्स्ट्रा इंटरेस्ट चार्ज बैंक करती है आपको? क्या कोई हिडन चार्जेस होता है जो कि स्टेटमेंट में आपको छुपा होता है? इस वीडियो में इसी से रिलेटेड बात करेंगे और डिटेल में समझेंगे, क्योंकि मैंने भी कोई प्रोडक्ट खरीदा था नो कॉस्ट ईएमआई से, जो कि एचडीएफसी क्रेडिट कार्ड से मैंने परचेस किया था। तो मैं आपको बताऊंगा कितना एक्स्ट्रा अमाउंट आपको पे करना पड़ता है अगर आप कोई प्रोडक्ट नो कॉस्ट ईएमआई पर लेते हैं, तो डिटेल में समझेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, मैंने फ्लिपकार्ट से एक वॉशिंग मशीन ऑर्डर किया था जिसकी प्राइस जो है 13,490 रुपये था। आप जैसा स्क्रीनशॉट में देख रहे होंगे, यहाँ पर 13,490 रुपये फाइनल प्राइस थी सब डिस्काउंट्स करके। उसके बाद जब मैं क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करने लगा तो वहाँ पर देख सकते हैं एक नो कॉस्ट ईएमआई इंटरेस्ट का डिस्काउंट दिख जाता है आपको 498 रुपये का। वो डिस्काउंट अक्सर आप जब भी क्रेडिट कार्ड से नो कॉस्ट ईएमआई पर शॉपिंग करेंगे तो आपको ये डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। तो वहाँ पर ये पहले ही डिस्काउंट कर दिया जाता है। उसके बाद जो अमाउंट बनता है वो प्रिंसिपल अमाउंट होता है। तो जैसा कि आप, मेरा प्रिंसिपल अमाउंट 12,992 रुपये है, तो यही अमाउंट जो है मेरे फाइनल क्रेडिट कार्ड से कटेगा, डेबिट होगा। पहले नो कॉस्ट पर लेने के लिए होता है कि आपका अमाउंट पहले डेबिट होता है, 3 से 4 दिनों बाद वो कन्वर्ट होता है। अगर आप नहीं जानते हैं कैसे नो कॉस्ट ईएमआई पे सामान परचेज होता है, कैसे ये बिल जनरेट होता है, तो मैंने इस वीडियो बना के रखा है। ये वीडियो जाकर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आई बटन पे लिंक होगा कि कैसे नो कॉस्ट ईएमआई पे आपको सामान परचेज करना है। तो जैसे ही करते हैं आप, फाइनल अमाउंट पे हो जाता है, उसके बाद स्टेटमेंट जनरेट होता है। जैसा कि मैंने एक स्टेटमेंट 6 मंथ्स का मैंने किया था टेन्योर का, तो 6 मंथ्स मैंने यहाँ पर स्टेटमेंट डाउनलोड कर दिया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं मंथली वाइज यहाँ बिलिंग हुई है, तो दो तरीके से ये बिल जो है डिवाइड हो गया, एक प्रिंसिपल अमाउंट में, एक इंटरेस्ट अमाउंट में। तो जैसा कि देख सकते हैं, अगर मैं प्रिंसिपल अमाउंट को ऐड करूँ तो यहाँ नीचे 12,992 रुपये आते हैं, और इंटरेस्ट अमाउंट को करूँ तो 539.22 रुपये होता है, जो कि डिस्काउंट मेरा 498 रुपये किया गया था। लेकिन यहाँ पर जब मंथली वाइज ये बिलिंग होती है तो उसमें कुछ अमाउंट बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पर ऐसा देख रहे हैं 498 रुपये डिस्काउंट हुआ था जो इंटरेस्ट अमाउंट था, लेकिन यहाँ पर टोटल इंटरेस्ट आप कैलकुलेट करेंगे तो 549.22 रुपये हो जाता है। उसके बाद क्या होता है, जब स्टेटमेंट आपका जब बन के आएगा मंथली वाइज, तो आप अपना स्टेटमेंट देखेंगे, उसमें 3 चीज़ें लिखी हुई, एक प्रिंसिपल अमाउंट, दूसरा इंटरेस्ट अमाउंट, और इंटरेस्ट पर यहाँ पर जीएसटी। तो ये चीज़ें नहीं बताई जाती कि आपके इंटरेस्ट अमाउंट पर भी जीएसटी लगता है। तो हर महीने जो भी बिल आएगा, जितना भी इंटरेस्ट हर महीने आपका बन रहा है, सारे पे अलग से यहाँ पर 18% जीएसटी होता है। तो ये चीज़ें जो है अलग होती है, जो फाइनल अमाउंट आपका था 13,490 रुपये जो आपको पे करने थे, उसके बाद जो आपका इंटरेस्ट अमाउंट पोर्शन है उसका जीएसटी वो अलग होता है, तो ये आपको एक्स्ट्रा पे करना होता है। जैसे कि आप कैलकुलेट करेंगे प्रिंसिपल अमाउंट को तो 12,992 रुपये हो रहे हैं, इंटरेस्ट अमाउंट को करेंगे तो 539.22 रुपये, यानी 2-2 पैसे हो रहे हैं, और ये फिर अलग से जो हर स्टेटमेंट पे आप देखेंगे यहाँ पर जीएसटी इंटरेस्ट अमाउंट पर होगा। तो ये कैलकुलेट करेंगे तो 6 महीने का मैंने ईएमआई किया था, तो एक्स्ट्रा मुझे 97.06 रुपये पे करना होगा। तो इस तरीके से यहाँ पर 100 रुपीज एवरेज मान के चल सकते हैं कि आपको एक्स्ट्रा पे करना होता है, और कोई तरह का चार्जेस यहाँ पर नहीं लगता। अगर ये बिगर अमाउंट होता है तो उसमें आपको थोड़ा सा ये बढ़ सकता है, 100-200 रुपये और इंक्रीज हो जाएंगे जीएसटी जो इंटरेस्ट अमाउंट पर लगता है। तो दोस्तों, नो कॉस्ट ईएमआई पर परचेस करने पर सिर्फ यही एक्स्ट्रा चार्जेस आपको देना पड़ता है जो कि आपका स्टेटमेंट में लिख कर आता है, तो यही जीएसटी अमाउंट जो है आपका एक्स्ट्रा हो जाता है, जो कि आपके इंटरेस्ट पोर्शन पर लगता है, और कोई एक्स्ट्रा चार्जेस आपको नहीं लिए जाते हैं, कोई भी हिडन चार्जेस नहीं लिए जाते। ये चीज़ें मैंने इसलिए बताया कि बहुत सारे जो न्यू यूज़र्स होते हैं, नया क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करते हैं, तो कोई प्रोडक्ट खरीद लेते हैं 6 मंथ्स या 3 मंथ्स के लिए, अगर 15,000 का कोई परचेज किया है, और उनको लगता है कि नो कॉस्ट ईएमआई पर लिया है तो पर मंथ मुझे 5,000 ही सिर्फ पे करने हैं और कोई चार्जेस नहीं है, 3 महीने में 15,000 वो पे कर देते हैं, वो स्टेटमेंट अपना नहीं देखते हैं। तो इसमें होता है क्या कि 100-200 रुपये जो एक्स्ट्रा जीएसटी के अमाउंट बन जाते हैं तो वो आपके आउटस्टैंडिंग होते चले जाते हैं हर मंथ डेली वाइज। तो पता होता है कि वो 1 साल तक कार्ड यूज़ वगैरह नहीं किया 6 महीने, तो वो आउटस्टैंडिंग हमेशा कंटिन्यू रहता है, और उसके बाद वो बड़ा अमाउंट में बदल जाता है क्योंकि पेनाल्टीज जुट के, इंटरेस्ट अमाउंट जुट के, तो बाद में उनको फिर दिक्कत हो जाता है।
तो इस चीजों को आपको ध्यान में रखना चाहिए। हमेशा आपको स्टेटमेंट चेक करना चाहिए कितना चार्जेस किस चीज का लग रहा है, वो चीजें आपको क्लियर कर लेनी चाहिए। बहुत सारे क्रेडिट कार्ड में होते हैं कि क्रेडिट कार्ड कंपनी आपको गलती से कोई एक्स्ट्रा हिडन चार्जेस वगैरह आपके क्रेडिट कार्ड में जोड़ देती है, जो कि आपको कस्टमर केयर से बात करके सेटलमेंट करना होता है। तो आप हमेशा जो है मंथली वाइज अपना स्टेटमेंट चेक करें, इससे ये चीज़ें क्लियर हो जाती कौन चीज़ के लिए किस चीज़ के लिए चार्जेस आपका काटा जा रहा है। उम्मीद है इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगा, इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक भी। इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी सवाल और क्वेश्चन क्वारीज है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, या मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करके मैसेज भी कर सकते हैं। अगर आप ओकोस्ट ईएमआई पर कोई सामान लेना चाहते हैं, कैसे लेना है, तो ये वीडियो जाकर देख सकते हैं, आई बटन पे लिंक होगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।